सब्सक्राइब कीजिए गुलशाद अंसारी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिले और आप कोई भी वीडियोस मिस ना कर पाए। ये इमरान जी का रेंडर है, तो थोड़ी सी लाइट ज़्यादा है इस जगह पर, ठीक है। बाकी जो है शेडो के ऊपर काम कीजिए। देखिए गलत कर दिया आपने, कि आपने जो यहाँ पर शेडो इस साइड में डाल दी है इस लेडी की, और इनकी डायरेक्शन ऐसे डाल दी, जब लाइट इस साइड से आ रही है तो इनकी शेडो भी, जैसे इसकी शेडो गई तो इनकी भी शेडो इसी साइड में जाएगी, इस साइड में नहीं आएगी। ये गलत हो जाएगा इस तरह से, अगर आप करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, और थोड़े से इनको ध्यान दो, थोड़ा सा कुछ डाउन रखो। यहाँ से ये वाइट वाइट दिख रहा है ना, थोड़ा सा इनको नीचे रखो, थोड़ा सा ग्राउंड, इनका ग्राउंड जो है ना थोड़ा सा डाउन रखो। थोड़ी सी बस ब्राइटनेस ज़्यादा हो रही है आपकी, तो देख लेना अगर पोस्ट प्रोडक्शन में हो रही है तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। हाँ तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ठीक है, बस और कुछ नहीं है, बाकी सब ठीक है। तो अपने नाइट रेंडर पर चलते हैं, जो हमने निकाला था ये नाइट रेंडर था और ये हमारे रेंडर एलिमेंट्स थे यहाँ पर, ठीक है, और ये हमने सेव भी कर लिए हैं यहाँ पर, उसी दिन किए थे आपके सामने ही, ठीक है। तो इसको फोटोशॉप में लेकर चलते हैं, ये हमने फोटोशॉप ओपन करा रखा है, ये हमारी जो सेव हुई हुई इमेजेस हैं ये वो हैं, ठीक है। इसमें एक PNG के नाम से सेव हुई हुई हैं ये, और ये यहाँ पर TIF के नाम से सेव हुई हुई है। तो मैं यहाँ से कोई भी एक इमेज, यहाँ पर ये TIF की है, इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट के नाम से है, इसको मैं यहाँ पर ड्रॉप कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पर ये देखिए ड्रॉप हो गई है, ठीक है, और ये लेयर के नाम से यहाँ पर आ रही है, तो कोई बात नहीं, इसको मैं ऐसे रखता हूँ। अब मैं इसके ऊपर PNG रखूँगा, ठीक है, तो इसी फोल्डर में जाऊँगा और PNG में जो इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट के नाम से है उसको उठा के इसके ऊपर यहाँ पर छोड़ दूँगा और एंटर कर दूँगा। देखिए अगर मैं नीचे वाली लेयर को ऑफ़ कर देता हूँ यहाँ से, तो इसका जो बैकग्राउंड है वो टोटली जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। PNG फाइल है ना, तो नीचे TIF रखी हुई है, उसके ऊपर PNG रखी हुई है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम PNG इसलिए सेव करते हैं उसमें सारा जो है ना स्काई नहीं होता, हम उसमें फिर बाद में अपने हिसाब से स्काई लगा लेते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहला हमारा काम क्या रहता है, एक्स्ट्रा टैक्स। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा टैक्स वाली जो है, हमने दो तरह से सेव की थी, एक 10 इंच और एक 3 इंच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 10 इंच वाली जो इमेज है, इसमें ज़्यादा जो कॉर्नर हैं इसके वो ज़्यादा ब्लैक आ रहे हैं, बल्कि जो 3 इंच है उसमें कम है। तो मैंने आपको कंपेयर करने के लिए दोनों चीज़ें बताई थी, 10 इंच और 3 इंच। तो अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा 3 इंच वाली को। कहीं कहीं पर ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपको 10 इंच वाली भी यूज़ करनी पड़े, कहीं वो आपके काम के हिसाब से रहेगा। तो ये यहाँ पर आ गई है, इसको हम लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ पर कर देंगे मल्टीप्लाई। तो जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया, देखिए कितना फ़र्क हो गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये पहले बिल्कुल एकदम वाइट थे, इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आ रहा था, और अब इतना आ रहा है, लेकिन ज़्यादा है। कम करना है तो हम इसकी ओपेसिटी को कम कर देंगे। तो इनके ऊपर भी जो ट्रीज़ हैं, इनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, ये ब्लैक हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इनको अगर मैं यहाँ से इस लेयर को सिलेक्ट करके इसके ऊपर मास्क लगाता हूँ, तो देखिए मास्क लग गया लेकिन कोई फ़र्क नहीं हुआ। तो मैं मास्क के ऊपर क्लिक करके ब्रश टूल लूँगा, बी प्रेस करूँगा, यहाँ पर ये ब्रश टूल आ गया, और ब्रश का साइज़ ऑल्ट के साथ में राइट क्लिक करके ब्रश का साइज़ छोटा कर लेता हूँ ऐसे, और यहाँ पर ये अप डाउन लेफ़्ट राइट करूँगा तो ब्रश का साइज़ छोटा या बड़ा होगा, अप और डाउन करूँगा तो इसकी जो है ना ब्रश की जो एज होती हैं वो हार्डनेस कम या ज़्यादा होगी। तो मैं बिल्कुल इतना नहीं, इतना रख लेता हूँ इसको, ठीक है, और ब्लैक कलर यहाँ से ब्लैक कलर लेके और इसको मैं इसके ऊपर पेंट करूँगा। तो देखिए जहाँ पर ये एक्स्ट्रा टैक्स का इफ़ेक्ट आ रहा था ब्लैक ब्लैक, वो हट जाएगा। तो इनके ऊपर ज़्यादा आ रहा था तो मैं इनके ऊपर से ही इनको हटा लेता हूँ, ठीक है। देखिए अगर मैं यहाँ पर कर दूँगा,
तो यहाँ से भी हट जाएगा एक्स्ट्रा टैक्स का इफेक्ट। तो इसको वापस लाने के लिए यहाँ पर वाइट पेंट कर देता हूँ मैं, ठीक है, जहाँ पर नहीं चाहिए वहाँ पर ब्लैक और जहाँ पर चाहिए वहाँ से वाइट कर देंगे अगर बाई मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। अब भी अगर ये ज़्यादा है तो आप यहाँ से इसकी ओपेसिटी को कम कर दो, ठीक है, और ये अपने हिसाब से करनी होती है जैसा अपने को अच्छा लगे। ऐसा नहीं है कि आप इतने ही परसेंट रखो या इतना ही रखो, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है इसका, जितना आपको चाहिए जितना अच्छा लग रहा है उतना रख लो, ठीक है। तो इससे जो है ना अच्छा इफेक्ट होता है, जिससे इमेज जो है ना हमारी 3D फील होती है, ठीक है। तो इसको मैंने इतना रख लिया, देखिए अगर मैं इसको अब ऑन ऑफ करके देखता हूँ तो ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को लेकर आता हूँ। यहाँ पर हमारे पास इसमें है रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन को हम यहाँ पर कर लेंगे इसमें स्क्रीन। देखिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आ रहा है। इसका भी सेम है, अगर किसी पोर्शन के ऊपर आपको रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए तो सेम यही तरीका, मास्क लगाकर उसको वहाँ से हटा देंगे, नहीं तो आप इसकी ओपेसिटी को कम कर दो यहाँ से, ठीक है। इतना रख लिया हमने, देखिए अब आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन ग्लासेस में जहाँ जहाँ पर जिस जिस मटेरियल में रिफ्लेक्शन होगा वो मुझे दिख जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन लेकर आऊँगा और इसको भी यहाँ से स्क्रीन कर दूंगा मैं, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है जहाँ जहाँ पर रिफ्रैक्शन है, तो कम कर लूँगा यहाँ से। अगर इसमें भी किसी पोर्शन पे आपको रिफ्रैक्शन चाहिए या नहीं चाहिए तो आप वहाँ पर मास्क लगाकर इसको कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको इतना रख लिया, तो आप देख सकते हैं अभी भी बस सिर्फ थोड़ा सा ही काम हुआ है, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। अभी लाइट्स के ऊपर देखते हैं, अगर आपको किसी लाइट्स के ऊपर काम करना है तो वो कैसे होगा। जैसे ये वाली लाइट चाहिए मुझे, इसको इसके ऊपर काम करना है, लाइट कम हो रही है ज़्यादा हो रही है या कलर टेम्परेचर या कोई और चीज़ चेंज करनी है तो वो कर सकते हैं। तो मैंने लाइट को नाम दे के यहाँ पर इनको मैंने रेंडर एलिमेंट दिए थे, तो कार पार्क के नाम से है और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं सिर्फ ये वाली ही लाइट दिख रही है, तो मैं इसको यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर स्क्रीन इनमें से कोई सी भी वैल्यू ले लेंगे, देखिए ये वाली तो बहुत ज़्यादा हो जाती है एकदम, तो इनमें से आप चाहें तो स्क्रीन ही रख लें इसको बस। देखिए अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो इसी के ऊपर सेलेक्ट करके इसको इसी के ऊपर इफेक्ट लगा देंगे, इमेज में जाएंगे एडजस्टमेंट में, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ इसमें एक्सपोजर। एक्सपोजर जो लगाएंगे हम इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने और घटाने के लिए लगाएंगे, देखिए, ठीक है, जितनी आपको इंटेंसिटी चाहिए, इसको अगर कम करनी है तो कम कर लेंगे, ज़्यादा करनी है तो ज़्यादा कर लेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ये देखिए। और जब भी यहाँ पर आपको चेंज करना हो तो आप ये स्मार्ट फिल्टर बन के आ गया, क्योंकि हमारी जो लेयर थी वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में थी इसलिए यहाँ पर इसमें फ़िल्टर लग कर आ गया, और इसको आप ऑन ऑफ करके देख सकते हैं, और भी लगा सकते हैं आप इसमें, इसको क्लिक करके इमेज एडजस्टमेंट, और मैंने यहाँ पर अगर सपोज़ करो क्लिक किया कलर बैलेंस, तो मैं यहाँ पर इसमें देखिए कलर चेंज कर सकता हूँ इसी जगह पर। ये चीज़ अगर आप वापस 3DS Max में वापस जाके करेंगे और दोबारा रेंडर करेंगे इसको तो इतना ही टाइम देना पड़ेगा जितना रेंडर में दिया था। तो इसमें दो लग गए, एक्सपोजर और कलर बैलेंस। जब मैं यहाँ से बंद करता हूँ तो देखिए आप यहाँ पर फोकस कीजिए, इस जगह पर ध्यान दीजिए, देखिए जहाँ तक लाइट का इफ़ेक्ट जा रहा है इसका वहीं तक इफ़ेक्ट दिखेगा, यहाँ तक कि कार के ऊपर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब IS लाइट वाली अगर मुझे यूज़ करनी है तो मैं उनको भी यहाँ पर ऐसे ही लेकर आऊँगा, ये बाउंड्री पर यूज़ हो रही हैं, ठीक है। अब मैंने इनको यहाँ पर ले लिया एंटर, ठीक है, इसको भी मैंने यहाँ से स्क्रीन कर दिया, तो अब आप देख सकते हैं इफ़ेक्ट पड़ गया। अगर सपोज़ करो आपको इनके ऊपर नहीं चाहिए सिर्फ इसके ऊपर चाहिए तो इसके ऊपर मास्क लगा दो,
मास्क लग गया, ब्रश टूल ले लो, बी प्रेस किया और ब्लैक पेंट कर दिया, और किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने का, ठीक है। ये आ गया, कभी भी नहीं चाहिए तो आप इसी को मास्क पे क्लिक करके वाइट पेंट कर देना, ठीक है। अब ये यहाँ पर आ गया, देखिए अगर एक्सपोजर कम करना है इमेज में जाइए, एडजस्टमेंट इंटेंसिटी इसकी कम आप यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर ज़ीरो कर देंगे तो इतना था और 100% में इतना आ रहा है, कम ज़्यादा यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं एक्सपोजर से, या फिर आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं इमेज में जाकर, एडजस्टमेंट और कलर बैलेंस। ठीक है, अब मैं आपको यहीं पर जूम करके दिखाता हूँ, देखिए जैसा इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है अभी, तो ऑन ऑफ करके देखिए आप, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए और यहाँ पर भी, तो इसका इफेक्ट आप बाद में भी मतलब चेंज कर सकते हैं। तो पोस्ट प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा ये समझो पावरफुल है, आप इसको कर लिए फिर इस वाली इमेज को चाहे दोबारा लेके आ जाओ, उसमें से इसको हटा, इसमें मास्क इसके ऊपर लगा दो, इन दोनों के ऊपर कुछ चेंज कर लो, यानी कि फुल आज़ादी है आपको यहाँ पर, इसमें आपको जैसे करना है कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो बंद कर दो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। वन क्लिक में ही सारा काम हो रहा है, मैक्स में आप वन क्लिक में नहीं कर सकते, मैक्स में आपको कुछ भी चेंजेस करोगे आपको रेंडर दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। अब जो जो लाइट हैं अंदर वाली लाइट भी अगर आपको कम ज़्यादा करनी है तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ये लाइट है इस जगह की, अगर आपको इस जगह पर चेंज करना है, ये लाइट इस जगह की है, अगर इस जगह पर आपको लाइट चाहिए, ये लाइट अंदर की है, ये नीचे वाली लाइट है, तो आपको इनमें जो लेना है वो ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपको अंदर इस तरह से लाइट ज़्यादा दिखानी है तो आप इतनी ज़्यादा भी दिखा सकते हैं, कम करनी है कम कर लो, इनकी जो भी आपके ऊपर, जो भी आपको अच्छा लगता है आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वैसे आपको जो आपने अभी तक सीखा, ये आज हमारी 50वीं क्लास है, 50 क्लास है, तो आप लोगों को इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ? बहुत ज़्यादा हुआ सर, एक एक चीज़ समझ में आई या नहीं? दूसरा एलिवेशन है या मेरी तरफ से, तो आपने तो और भी बनाए हैं शायद। आप सबकी क्या राय है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर आपके साथ। आज काफ़ी मेंबर ऑनलाइन नहीं है क्योंकि आज नवरात्रे हैं शायद, तो कुछ मेंबर के मैसेज आए हैं कि आज क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो देखिए अपने ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ लोग थे आप में से ही, नाम नहीं लूँगा, कुछ लोग आप में से ही थे जो प्रैक्टिस में कमज़ोर चल रहे थे, पीछे चल रहे थे, तो उनका रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, जैसे ही मैंने उनको पुश किया प्रैक्टिस के लिए, उन्होंने प्रैक्टिस की तो उनका इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ? देखिए करने से ही होता है, सबको यही बोलता हूँ मैं, लेकिन टेक्निक बताना, टूल्स बताना, ये मेरा काम है, मेहनत करना, प्रैक्टिस करना, ये आप लोगों का काम होता है, तभी रिज़ल्ट आता है, और प्रॉपर चीज़ें सीखने के बाद ही रिज़ल्ट आता है, यही मैं हर चीज़ में हर बार यही बताता हूँ। कुछ मेंबर ये होते हैं कि भाई सर बस मुझे तो रेंडरिंग रेंडरिंग सिखा दो, या मुझे तो बस लाइटिंग सिखा दो, नहीं, एक फ्लो है पूरा, एक प्रॉपर तरीका है, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, जब तक आपको वो सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तब तक आप अधूरे हो, ठीक है। अभी तो पोस्ट प्रोडक्शन देखिए यहाँ पर कितनी लेयर्स हो गई, इस जगह पर देखिए आप, यानी अभी तो बहुत सारा काम बाकी है इसी में, क्योंकि जित नाइट जो रेंडर होता है उसका पोस्ट प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बैठ जाता है, जितना बड़ा रेंडर होगा, जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, उतना ही ज़्यादा इसमें बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो करेंगे ये भी पूरा, तो मैं जो यूट्यूब वाली वीडियो है उसको यहीं तक फिनिश कर रहा हूँ, और मैंने एक और नया ग्रुप बना दिया है, शायद आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी यूट्यूब पर, तो नया ग्रुप बना दिया गया है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने ही स्टूडेंट हैं और ये प्रोजेक्ट इनके सामने ही सब कुछ बनाया गया है,
3DS Max में मॉडलिंग करके, लाइटिंग वाइटिंग भी रहे सब कुछ इसमें कराया गया। अब हम फोटोशॉप से इसको पोस्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं, और इसका डे रेंडर भी आपको मैंने उसमें दिखा दिया था वीडियो में, आपने देख भी लिया होगा उसमें। अगर नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख लीजिए। और अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप करके ज्वाइन कर सकते हैं। सर कुछ बोलना है सर? जी बताइए। सर मैं जब स्टार्टिंग में आपसे आपसे कनेक्ट हुआ था तो मैंने ये बोला था सर मुझे खाली रेंडिंग और वीरे वगैरह सिखा दो, लेकिन जब आपने एक बार बोला कि एक बार स्टार्ट तो करो स्टार्टिंग से, तो मैंने जब स्टार्ट किया तो बहुत मैंने मुझे लग रहा था कि मुझे सिर्फ 10% ही मालूम है, फिर 90% और सीखा, उसमें बहुत कुछ चीज़ें थी, शॉर्टकट्स थे और बहुत सी नई एडिशनल चीज़ें थी, तो बहुत मॉडलिंग अच्छा में सा भी कुछ इम्प्रूवमेंट है। हुआ होगा, आपका ये मानना था कि मुझे मॉडलिंग आती है। हाँ बिल्कुल, फिर मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि मुझे तो सिर्फ 10% ही मालूम है मॉडलिंग, वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ मालूम हुआ क्लासिकल मॉडर्न वगैरह में, और जो भी एडजस्टमेंट है काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ, थैंक्स अ लॉट। ओके वेलकम हसन जी, आपकी क्या राय है? सर जी फर्स्ट में सर मैं कहना चाहता हूँ सर कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे तो सर हम लोग आगे जाएंगे, और वीडियो देखने से कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है सर, ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आगे जाएंगे। शुरुआत में सर हम जब आपके पास सर आए थे तो हमको कुछ नहीं आता था, आपको नेक्स्ट दोबारा से, टाइम आपको दोबारा से ग्रुप में ऐड किया है मैंने इसी वजह से, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की थी पहले वाले ग्रुप में, आपने जी। प्रैक्टिस नहीं की थी। ये मतलब ये ज़्यादातर के साथ में ऐसा ही हुआ है, वो ये सोचते हैं कि वीडियो गूगल क्लासरूम पर मिल जाती हैं, क्लास की कभी भी देख लेंगे, कभी भी का कोई मतलब नहीं है। आपको आज सीखना है तो आज ही सीखो, आगे बढ़ना है तो आज ही सीखो, ये मत सोचो कि वीडियो गूगल क्लासरूम पे है कभी भी देख लेंगे, वहाँ तो कभी भी नहीं मिलेंगी, वो कुछ ही दिन के लिए है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि पूरा प्रॉपर तरीका सीखना होता है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आप नहीं सीख पाओगे, आप चाहे जितने भी माइंडेड हों। मैं भी किसी चीज़ की अगर प्रैक्टिस नहीं करूँगा मैं नहीं सीख पाऊँगा, ये बनाया है आपने हसन जी, ये वही प्रोजेक्ट है आपका पहले वाला ही शायद, इसमें से कुछ इम्प्रूवमेंट किया है अभी आपने, थोड़ा सा लाइट जैसे वाइट कलर है ना पूरा एकदम ब्राइट ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा हल्का रखो ठीक है, बाकी से ये थोड़ा साइड रेंडर निकालो इसको, और थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करो। सही है, पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है आपके इसमें, आपने तो अभी काफ़ी और डिज़ाइन बनाए हैं। पढ़ाने का तरीका सर बहुत अच्छा लगा हमको सर, स्टेप सर बाय स्टेप। ये टेक्स्ट वगैरह के बाद में बताएंगे, टेक्स्ट वगैरह जो लाते हैं फोटो में। हाँ वो देखिए इजी है, वो तो मैंने फोटोशॉप का उसमें भी सिखा रखा है यूट्यूब वाले ट्यूटोरियल में, ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, टेक्स्ट लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो कोई भी लिख देता है ठीक है, मेन चीज़ ये है, ये सीख लो पहले। डिफरेंट स्टाइल फोटो में सर, स्टाइल तो स्टाइल फॉन्ट फॉन्ट होते हैं, अगर आपने वर्ड एक्सेल इन चीज़ों में काम किया होगा तो स्टाइल चेंज अगर करने हैं तो वो तो फॉन्ट स्टाइल होते हैं, आप कोई सा भी ले लो। जैसे मोनोक्रोम लेना है तो कुछ भी ले लो, तीन चार मोनोक्रोम ले लो, सौ चाहे कुछ भी ले लो, इसमें तो 300 400 स्टाइल यहाँ पर ये बहुत सारे और स्टाइल हैं, और कितने ऊपर भी से। कर लो, हाँ मैं ऊपर ऊपर गौर नहीं किया था, मैं ऊपर ऑब्जर्व नहीं किया, बॉल स्टाइल डिटेलिंग क्या सब कुछ है था। यहाँ पर ये, ओके ठीक है। थैंक लोगो वगैरह लगाना, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं वहाँ पे, यूट्यूब वाली जो वीडियो है ना, बेसिक ट्यूटोरियल इसीलिए वहाँ पे चला रखे हैं जिससे टाइम बचे यू थैंक सीखने के लिए, टाइम टाइम बहुत बड़ी चीज़ है, अगर टाइम को बचा के आपने सीख लिया तो जल्दी आगे बढ़ जाओगे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सर। हमारा ये जो ग्रुप चल रहा है ये इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये ग्रुप अभी तक का सबसे बढ़िया ग्रुप रहा, इसीलिए वो दूसरे ग्रुप वाले मेंबर इसमें आए, नहीं तो उनका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मतलब ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका था, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी फिर मैंने उनको इसमें डाला, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर कुछ नहीं किया, वहाँ पे मैं आप लोगों की तारीफ़ करता था। इस ग्रुप में जितने मेंबर हैं तकरीबन सभी ने प्रैक्टिस अच्छी रखी है, और जिसने नहीं की थी उनको मैंने पुश किया तो वो भी आगे आ गए निकल के, फिर नहीं तो वो पीछे चल रहे थे काफ़ी। मैं इसीलिए एक एक को चेक किया कि आप दिखाओ अपनी स्क्रीन शेयर करो क्या बनाया, अगर किसी के सर साथ कोई में नहीं कोई करता, मतलब आप पर्सनली जाके पूछते नहीं हैं तो या नहीं मैं तो करता सिखा कोई? रहा हूँ, जब इतने स्टूडेंट हैं ठीक है, अभी आप 6 मेंबर ऑनलाइन हो और मेंबर आए नहीं है बहुत सारे, अटेंडेंस भी रोज़ाना लेता हूँ मैं,
ठीक है, इसी वजह से कि बाद में आपको बता सकूं कि भाई आप, मेरी गलती नहीं है, आप खुद ही नहीं जब क्लास में आ रहे थे। तो मतलब बात यह है कि मैं इतने सारे स्टूडेंट के ऊपर एक एक के ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि भाई आपने क्या किया क्या किया, किस लिए? इसीलिए तो कि आपको फ़ायदा हो, आप सीखो जब सीखने आए हो। नहीं तो मेरा कोई वो नहीं है, मैं तो आऊँ बोल के चले जाऊँ, जिसको सीखना होगा सीख लेगा, जिसको नहीं सीखना होगा ना सीखो, मेरी तरफ से मुझे क्या। ठीक है, तो चलिए मैं YouTube की वीडियो को यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ, YouTube वालों से मिलेंगे फिर। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, और अगर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे आप WhatsApp कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँगा। 11th अक्टूबर से ग्रुप क्लास स्टार्ट हो रही है, मंडे से। ठीक है, और टाइम 8:20 यानी कि 8 बजे के बाद का ही टाइम रखा जाएगा। तो आप मुझे, अगर आपको और कुछ पूछना है तो WhatsApp कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।